बाबा के साथ उनके कुछ भक्त एक महीने तक चित्रकूट में ठहरे हुए थे। एक दिन बाबा अपने भक्तों को एक साधु का दर्शन कराने के लिए ले गए, जो सिर्फ जड़ी बूटी खाकर ही जीवित था, अन्न नहीं खाता था। बाबा ने साधु से उस दुर्लभ जड़ी बूटी का एक टुकड़ा मांगा तो साधु ने एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया। बाबा ने कहा, इतने कंजूस क्यों हो, और दो, हमें पता है तुम्हारे पास ज़्यादा है। साधु ने एक टुकड़ा और दे दिया। बाबा ने उस जड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करके अपने भक्तों में बांट दिया। एक भक्त को उन्होंने नहीं दिया। प्रसाद पाने से वंचित उस भक्त ने बाबा से आग्रह किया तो बाबा ने कहा कि ये जड़ी बूटी तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन जब वो भक्त जिद करने लगा तो बाबा ने एक टुकड़ा उसको दे दिया। उसी शाम बाबा और उनके भक्तों ने एक कीर्तन किया, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बाबा सबसे ऊंची आवाज़ में गा रहे थे। जिस भक्त को वह जड़ी बूटी का टुकड़ा नहीं दे रहे थे वो सख्त बीमार पड़ गया। कीर्तन स्थल से उठकर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद बाबा उसके कमरे में गए और कीर्तन के लिए बुला लाए। उसकी तबीयत फिर खराब होने लगी और वो फिर अपने कमरे में चला गया। बाबा ने उसको फिर बुला लाए। कीर्तन सुबह तक चलता रहा। इस बीच कई भक्तों को नींद आने लगी और वो सोने चले गए, परंतु बाबा कीर्तन करते ही रहे। अंत में बाबा ने उस भक्त को कमरे में जाकर सोने की अनुमति दे दी। जब उसकी नींद खुली तो उसने बाबा को अपने बगल में बैठे पाया। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तू ठीक है, हमने तुम्हें जड़ी बूटी खाने के लिए मना किया था। जब हम बीमार थे तो तू भी रात भर सोया नहीं, और आज तू बीमार है तो हम भी सारी रात जागते हुए प्रार्थना और भजन करते रहे। बाबा के भक्त के प्रति प्रेम था यह। जय हो नीम करोरी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो, जय हो।